ने चार उम्मीदवारों का ऐलान किया। डॉक्टर एल मुरुगन और उमेश नाथ महाराज प्रत्याशी, बंशीलाल गुर्जर और माया नरोलिया भी उम्मीदवार घोषित की गई। दो एससी वर्ग से हैं और दो ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार चुने गए हैं। मालवा से दो उम्मीदवार शामिल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा के लिए बीजेपी ने एमपी से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। चार प्रत्याशी हैं, डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, बंशीलाल गुर्जर और माया नरोलिया। दो एससी वर्ग से हैं और दो ओबीसी वर्ग से हैं। यहां पर सामंजस्य इस तरह से बिठाया गया है। हमारी प्राथमिकता यही होंगी कि हमारी सरकार, मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार काम कर रही है। हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करेंगे और हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या होंगी उनको भी आगे लाकर काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस समय काम कर रहा है देश के अंदर, अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व में किसान नेता बंसीलाल गुर्जर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करने की घोषणा की है और हमारे साथ मौजूद है किसान नेता बंसीलाल गुर्जर। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और तमाम वरिष्ठ नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक किसान कार्यकर्ता को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। पिछले लगभग 45 वर्षों से लगातार हम किसानों के बीच में काम कर रहे हैं और किसानों को सरकारों के एजेंडे में स्थान मिले, ये हमारे जीवन का लक्ष्य था। इस लक्ष्य को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो कृषि क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को से निपटने के लिए और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा काम करें, उसी लक्ष्य को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के मिशन को हम आगे बढ़ाने का काम। किसानों की आय दो गुना और खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात की जा रही है और उस दिशा में लगातार आप काम करते रहे हैं, ऐसा कौन सा विजन आपने मन में सोच रखा है जो अब राज्यसभा में उस सदन में जाने के बाद आप सरकार से करवाए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का स्वयं का विजन है। उन्होंने देश में जो चार जातियां बताई है उसमें किसान, युवा, महिला और गरीब, तो उस नरेंद्र मोदी जी के विजन का एक कार्यकर्ता बनकर के हम काम करेंगे कि हमारे देश का किसान जो बहुसंख्यक है, हमारे देश के किसानों की जो आबादी 60% है, नरेंद्र मोदी जी उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो ये थे बंसीलाल गुर्जर, किसान नेता, जिनका साफ कहना है कि किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों की उन्नति के लिए नरेंद्र मोदी सरकार जो काम कर रही है, हम उसका एक हिस्सा बनकर के आगे काम करेंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18 मंदसौर। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।